आज से हुआ दिल्ली में बाबा की हनुमान कथा स्टार्ट। 7-8 को लगेगा बागेश्वर धाम की दिव्य दरबार। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और आज मैं हरि राम बात करेंगे कि बाबा बागेश्वर धाम दिल्ली में हनुमान कथा चालू हो चुका है और सज चुका है बाबा की दिव्य दरबार। हम आपको बता दें कि बाबा की जिस तरीके से कार्यक्रम आयोजक होता है उसमें कलश यात्रा से स्टार्ट होती है। जिस तरीके से 5 तारीख को कलश यात्रा शुभारंभ हुआ बाबा को दिव्य दरबार के लिए, इसमें बताया जा रहा है कि लाखों लोग जो है हजारों लोग कलश यात्रा में भाग लिए और कलश यात्रा हुआ बाबा की, बहुत ही भयंकर तरीके से कलश यात्रा हुई। वहीं पर हम आपको बता दें कि दिल्ली की जो सुरक्षा है, पुलिस कर्मी हैं बाबा के सुरक्षा में, 1200 पुलिस कर्मी से भी ज़्यादा जो है बाबा की सुरक्षा, दिव्य दरबार की सुरक्षा को लेकर तैनात है। और इस दरबार में बताया जा रहा है, आयोजक के हिसाब से मैं बता दूं तो बाबा की जो दिव्य दरबार 3 दिवसीय है, जिसमें आज हनुमान कथा हुई और बाबा की 7 और 8 को दिव्य दरबार लगेगा। जिस तरीके से लाखों भक्त आने की यहाँ पर, यानी कि आईपी एक्सटेंशन प्रगति मैदान, जिस तरीके से इस दिव्य दरबार में बाबा पहुँचे तो बाबा का भव्य तरीके से स्वागत हुआ, जिसमें 1200 पुलिस कर्मी लगे और सुरक्षा बलों के बात करें तो, और वहाँ पर लाखों लोगों की जनसैलाब देखने को मिला। पूर्वी दिल्ली मधु विहार होते आईपी एक्सटेंशन उत्सव प्रगति मैदान तक यह कलश यात्रा हुआ। इस कलश यात्रा में हजारों लंग की संख्या में महिला और कुछ पुरुष भी भाग लिए। वहीं पे 5 तारीख को कलश यात्रा हुआ और आज बाबा की जो हनुमान कथा, यानी कि 6 तारीख आज से बाबा कथा हनुमान चलेगा दिल्ली के उत्सव मैदान में। वहीं पे 7 तारीख और 8 तारीख को बाबा की जो दिव्य दरबार लगेगा, पर्चे निकालेंगे। इसको लेकर जो है बाबा की दिव्य दरबार में लाखों की संख्या में जो है हजारों की संख्या में भक्तगण पहुंच रहे हैं। बताया जा रहा है आयोजक के तरफ से कि इस दिव्य दरबार में खाने पीने का भी व्यवस्था है, जो वहाँ पर रुकेंगे उनके लिए खाने और पीने का भी व्यवस्था होगा। इस दिव्य दरबार को लेकर बताया जा रहा है कि जिसमें बाबा में पहली बार हनुमान कथा जो है धीरेन्द्र के शास्त्री सुना रहे हैं। बाबा बागेश्वर उस धीरेन्द्र के शास्त्री का यह पहला दिव्य दरबार प्रगति मैदान, जो आईपी एक्सटेंशन प्रगति मैदान उत्सव प्रगति मैदान में हो रहा है, और ये सा दिव्य दरबार दिल्ली में पहली बार हो रहा है। तो दोस्तों एक बार फिर से धीरेन्द्र के शास्त्री हनुमान कथा और दिव्य दरबार के लिए चर्चे में हिंदुस्तान के राजधानी दिल्ली में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।